दान हाउ आर यू आज हम सब्जेक्ट मैथ सीखेंगे तो मैथ में क्या करेंगे पता है आपको रिवीजन करेंगे क्या करेंगे रिवीजन जो अब तक हमने पढ़ाए सिखाए उसका हम रिवीजन करेंगे ठीक है देखो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे लिखे ना जो आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे ठीक है ऐसे आएंगे ठीक है तो आपको आसान होगा ठीक है ना तो चलो हम देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा लिखा है मैंने राइट आफ्टर नंबर कौन सा क्वेश्चन लिखा है मैंने राइट आफ्टर नंबर मतलब यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है जो नंबर लिखा है उसका पीछे वाला नंबर लिखना है जो नंबर मैंने लिखा है उसका पीछे वाला नंबर लिखना है इसे हम क्या कहते हैं आफ्टर नंबर ठीक है तो देखो फर्स्ट नंबर कौन सा लिखा है मैंने थ्री कौन सा नंबर लिखा है थ्री तो थ्री के बाद कौन सा नंबर आएगा बोलो तो फोर कौन सा नंबर आएगा फोर आपको नहीं आए तो आपको नंबर बोलना है वन टू थ्री और थ्री के बाद कौन सा नंबर आएगा फोर तो हमने क्या लिखा फोर यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है मैंने देखो नंबर सिक्स कौन सा नंबर लिखा है सिक्स उसी के बाद कौन सा नंबर आएगा सिक्स सेवन ऐसे बोलना तो आपको अच्छे से आ जाएगा नंबर्स बोलना तो आपका आपको पीछे वाला नंबर आ जाएगा सिक्स सेवन तो हमने क्या लिखा सेवन यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है मैंने ए कौन सा नंबर लिखा है मैंने ए तो ए के बाद कौन सा नंबर आएगा बोलो तो नाइन कौन सा नंबर आएगा नाइन तो हमने क्या लिखना है नंबर नाइन फिर यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है मैंने वन वन इलेवन कौन सा नंबर लिखा है इलेवन तो इलेवन के बाद कौन सा नंबर आएगा ट्वेल्व कौन सा नंबर आएगा ट्वेल्व तो ट्वेल्व नंबर लिखना है फिर यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है मैंने वन फाइव फिफ्टीन वन फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन के बाद कौन सा नंबर आएगा नहीं आए तो आपको नंबर बोलना है ठीक है वन वन इलेवन वन टू ट्वेल्व वन थ्री थर्टीन वन फोर फोर्टीन वन फाइव फिफ्टीन और फिफ्टीन के बाद कौन सा नंबर आएगा वन सिक्स सिक्सटीन वन सिक्स सिक्सटीन ठीक है चलो फिर यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है मैंने नंबर टू उसके बाद कौन सा नंबर आएगा वन टू थ्री हमें क्या लिखना है यहाँ पर नंबर थ्री ठीक है तो फिर यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है मैंने नंबर फाइव कौन सा नंबर लिखा है मैंने नंबर फाइव फाइव के बाद कौन सा नंबर आएगा बोलो तो आपको बोलना है चलो वही मैं लिखूंगी ठीक है चलो वन टू थ्री फोर फाइव फोर फाइव के बाद सिक्स वेरी गुड कौन सा नंबर आएगा सिक्स नंबर ठीक है चलो फिर यहाँ पर जीरो टेन कौन सा नंबर लिखा है मैंने टेन नंबर टेन के बाद कौन सी लाइन आती है वन वन इलेवन टेन के बाद कौन सा नंबर आएगा इलेवन तो हमने क्या लिखा इलेवन ठीक यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है मैंने वन टू ट्वेल्व कौन सा नंबर लिखा है मैंने वन टू ट्वेल्व ट्वेल्व के बाद कौन सा नंबर आएगा ट्वेल्व थर्टीन कौन सा नंबर आएगा थर्टीन यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है मैंने वन सेवन सेवनटीन वन सेवन सेवनटीन तो सेवनटीन के बाद कौन सा नंबर आएगा इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन हमें क्या लिखना है यहाँ पर नंबर एटीन ठीक है समझ में आया कि जो नंबर्स लिखा है उसका पीछे वाला नंबर्स लिखना है ठीक है चलो यहाँ पर देखते हैं राइट बिफोर नंबर राइट बिफोर नंबर मतलब यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखा है यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखा है आगे ब्लैंक छोड़ी आगे ब्लैंक छोड़ी उसमें हमें नंबर्स यहाँ पर पीछे ब्लैंक छोड़ी तो पीछे वाला नंबर्स लिखना था और यहाँ पर क्या करना है हमें आगे ब्लैंक छोड़ी तो हमें आगे वाला नंबर्स लिखना है ठीक है
चलो यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है मैंने, नंबर टू। कि अभी कौन सा नंबर आएगा, वन। वेरी गुड, कौन सा नंबर आएगा, वन। वन टू हो गया। यहाँ पर देखो कौन सा नंबर लिखा है मैंने, सिक्स। कौन सा नंबर लिखा है, सिक्स। तो सिक्स के आगे कौन सा नंबर आएगा, नहीं आए तो हमें क्या करना है, नंबर्स बोलना है। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, फाइव सिक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है मैंने, ए। तो ए क्या कौन सा नंबर आएगा, सोचो, बोलो तो, सोच के बताओ। चलो यस सेवन, कौन सा नंबर आएगा, सेवन। तो सेवन ए हो गया। फिर यहाँ कौन सा नंबर लिखा है मैंने, वन जीरो टेन। कौन सा नंबर लिखा है मैंने, वन जीरो टेन। तो टेन के आगे कौन सा नंबर आएगा, नाइन। वेरी गुड, कौन सा नंबर आएगा, नाइन। तो नाइन टेन हो गया। यहाँ कौन सा नंबर लिखा है मैंने, वन टू ट्वेल्व। वन टू ट्वेल्व, तो ट्वेल्व के आगे कौन सा नंबर आएगा, बोलो तो, यस वन वन इलेवन। वन वन इलेवन, आपको डायरेक्टली नहीं आए तो आपको नंबर्स बोल के लिखना है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है मैंने, वन फोर फोर्टीन। कौन सा नंबर लिखा है मैंने, वन फोर फोर्टीन। फोर्टीन क्या कौन सा नंबर आएगा, बोलो तो, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन। कौन सा नंबर आया फोर्टीन के आगे, थर्टीन। तो हमें क्या लिखना है, थर्टीन नंबर। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है मैंने, वन एट एटीन। वन एट एटीन, तो एटीन के आगे कौन सा नंबर आएगा, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन। क्या बोले हम, एटीन के आगे सेवनटीन। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, नंबर सेवनटीन। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है, बोलो तो, यस फोर नंबर। तो फोर के आगे कौन सा नंबर आएगा, बोलो, यस थ्री। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, नंबर थ्री। क्या लिखना है, नंबर थ्री। ठीक है, चलो यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है मैंने, वन सिक्स सिक्सटीन। वन सिक्स सिक्सटीन, सिक्सटीन के आगे कौन सा नंबर है, कौन बोलेगा, यस वेरी गुड, वन फाइव फिफ्टीन। वन फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन और सिक्सटीन। ठीक है, फिफ्टीन सिक्सटीन हो गया। फिर यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है मैंने, नंबर नाइन। कौन सा नंबर लिखा है मैंने, नंबर नाइन। तो नाइन के आगे कौन सा नंबर आएगा, नहीं आए तो हम क्या करेंगे, नंबर्स बोलेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो नाइन के आगे हम कौन सा नंबर बोले, ए। तो हम क्या लिखना है यहाँ पर, नंबर ए। ठीक है, ए नाइन। ठीक है ना, चलो यहाँ पर क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है द सेम नंबर। यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है, देखो यहाँ पर भी नंबर लिखा है और यहाँ पर भी नंबर लिखा है। तो जो सेम सेम नंबर है वो हमें मैच करना है, जो नंबर सेम सेम है वो हमें मैच करना है। ठीक है, तो चलो कौन सा वाला नंबर लिखा है मैंने, नंबर सिक्स। तो यहाँ पर सिक्स नंबर लिखा है मैंने, देखो ये वाला है, नहीं ये वाला भी नहीं, ये वाला नहीं, हाँ ये वाला सिक्स नंबर है ना, वो हमें मैच करना है। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो ये कौन सा नंबर लिखा है मैंने, नंबर थ्री। कौन सा नंबर लिखा है, थ्री। यहाँ पर थ्री नंबर लिखा है, देखो ये वाला है, नहीं ये वाला भी नहीं है, ये वाला तो मैच हो गया, ये वाला है, हाँ ये वाला थ्री नंबर है ना, तो हमें ऐसे थ्री से मैच करना है। ठीक है, फिर देखो ये कौन सा नंबर लिखा है मैंने, वन वन इलेवन। वन वन इलेवन, इलेवन ही यहाँ पर,
हां इक्वल्स टू वाला है ना, तो अभी ऐसे ऐसे मैच करना है, ठीक है। चलो फिर यहां पर 1616, तो यहां पर 16 नंबर लिखा है मैंने, हां ये वाला है ना 1616, तो अभी यहां से ऐसे उसे मैच करना है, ठीक है। चलो फिर यहां पर 1818, वो यहां पर 18 नंबर है, देखो ये तो मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, तो चलो ये वाला है ना, तो हम यहां पर जाएंगे, ठीक है। चलो ऐसे फिर चलो लास्ट में पता नंबर लिखाएंगे 1010, तो यहां पर 10 नंबर है, देखो ये वाला तो हो गया, ये भी हो गया, हां ये वाला बाकी, तो ये वाला कौन सा नंबर लिखा है मैंने 1010, तो हम यहां से एस हो गया, ठीक है, हो गया। जो सेम सेम नंबर है वो हमें मैच करना है, ठीक है, समझ में आया कि हमें क्या किया। तो आपको क्या करना है, मम्मा को बोलना कि ऐसे हेडिंग लगा दे और फिर ऐसे नंबर्स लिख दे और फिर ब्लैंक छोड़ दे, तो फिर आपको क्या करना है, जो ब्लैंक छोड़े उसमें आपको नंबर्स लिखना है, ठीक है। फिर यहां पर दूसरा क्वेश्चन में भी ऐसा करना है, मम्मा हेडिंग लगा देगी और फिर ऐसे नंबर्स लिख देगी और इसमें आगे ब्लैंक छोड़ेगी, तो आपको आगे वाला नंबर्स लिखना है, ठीक है। और फिर यहां पर मेजर सेम नंबर्स लिख, तो मम्मा ऐसे नंबर्स लिख देगी और आपको क्या करना है, नंबर्स मैच करना है, ठीक है। बहुत आसान है, आप अच्छे से बोल के लिखना और अच्छे से लिखना, ठीक है। बाय बाय।